तो BS6 पंप के बारे में अगर मैं बोलूं तो BS6 का पंप जो है गाड़ी के टैंक के अंदर आपको लगा रहेगा, वो बहुत सारे कंपनीज बोल रहे हैं 2 से 3 लीटर पेट्रोल आपको गाड़ी में हमेशा होना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज़ जो पंप है वो एयर सक करेगा एंड वैक्यूम क्रिएट होगा। वो पंप बना है पेट्रोल को इंजन मतलब सप्लाई करने के लिए, उसमें अगर एयर जाएगा तो वो पंप ख़राब हो सकता है, मतलब वो जल जाएगा। और BS6 बाइक में आपको एक काम बढ़िया रखना होगा, क्योंकि BS6 बाइक बाइक ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट पे चलेगा, तो आपका जो कंपोनेंट चलेगा वो इलेक्ट्रिक सप्लाई से आएगा, मतलब अल्टरनेटर जो AC कन्वर्ट करता है, AC करंट जनरेट करता है, वो बैटरी में DC में इससे मतलब स्टोर होता है DC मोड में, देन वो आपका सप्लाई होता है पूरा ECU में, पम्प्स में एंड इंजेक्टर में, मतलब इंजेक्टर में नहीं इधर ECU एंड पम्प्स में। तो वो अगर आपका बैटरी का वोल्टेज डाउन होगा या फिर बैटरी से आप कॉम्प्रोमाइज़ करोगे तो वो पम्प या फिर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स या फिर सेंसर्स वगैरह ख़राब हो जाएगा। ठीक है, मैं ये बोल देता हूँ। एंड इसके साथ बहुत जन मेरे को मैसेज किए थे, कमेंट किए थे कि क्या मैं BS6 ले लूँ या फिर। देखिए, BS6 ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बैटरी का और पेट्रोल का, मतलब पेट्रोल आप अच्छा क्वालिटी का डालिए, अदरवाइज़ पेट्रोल अगर पेट्रोल में होता है ना बहुत जगह मिक्सअप होता है तो क्वालिटी ख़राब होता है, तो वो पेट्रोल अगर जाएगा तो टैंक का पंप ख़राब हो जाएगा। वो पंप के पास ही जो फिल्टर रहता है पेट्रोल फ्यूल फिल्टर, वो उसको क्लीन कीजिए टाइम टू टाइम, पंप को 6 महीना में या फिर सर्विसिंग के टाइम क्लीन करवा लीजिए। एंड उसके साथ जो बैटरी का वोल्टेज मैं बोला, हमेशा आप ज़्यादा वोल्टेज वाला बैटरी मतलब गुड कंडीशन बैटरी यूज़ कीजिए, अगर ख़राब हुआ है तो कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए, क्योंकि आपका 1-2 हज़ार बैटरी के खर्चा के चक्कर में पूरा 15-16 हज़ार का खर्चा आ जाएगा, जो बहुत ही हाई कॉस्टिंग है, मतलब गाड़ी का वैल्यूएशन जो है उसके प्राय 30% to 20% है, जो आपको बहुत ही महंगा जाएगा। ठीक है, तो बाय फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।